कराची में टूट रहा है पानी फल, और काफ़ी जो जो लोग इसको बोते हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं और तोड़ने के लिए। पानी फल टूटने के बाद में इसे बाज़ारों में बेचा जाएगा, तो सब्ज़ी बना खा सकते हैं, अभी कच्चा है, या फिर पानी में बॉईल करके इसे भी आप जो है अपने घर पे पका हुआ खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, अभी ये कच्चा है। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका पानी फल का, अगर आपने जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो एक बार ट्राई कीजिएगा। बिहार में अक्सर इसे उपजाया जाता है पानी में, और बहुत ही शानदार इसका व्यू लगता है जब ये उसका लत लगता है। तो वीडियो में देखते हैं, आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं पानी फल किस तरह होता है और किस तरह से खेती होता है नज़दीक में जाके। अभी जाके देखते हैं नज़दीक से कैसे दिखता है पानी फल, और तोता हो आप देख ही रहे हैं, सबका अलग अलग लोकेशन होता है, अलग अलग एरिया होता है जहाँ पे लोग जो है तोड़ते हैं इसे, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग एरिया में इसे तोड़ा जा रहा है। जिसने जहाँ पे बोया है वो अपने एरिया में तोड़ रहा है, एक खम्बा से डाल दिया जाता है ताकि उसे मालूम पड़े कि कौन सा एरिया हमारा है, कितना से कितना मीटर हमारा है। तो यहाँ पे 3 लोग और जो है इस फल को तोड़ रहे हैं, और तोड़ के जाके बाज़ारों में बेचेंगे और बेच के कुछ पैसा कमाएंगे। तो इन लोगों को रोज़गार है जो लोग करते हैं, और ठीक है तो आगे देखते हैं इस वीडियो में कि कैसा दिखता है पानी फल और कैसा होता है इसका पेड़। पानी फल यहाँ पर है जिसे सिंघाड़ा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, बच्चे लोग जो है वो तोड़ते हैं चुरा के। यहाँ पर ये जो है वो पानी फल है, सिंघाड़ा लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे, ये तोड़ के जो है तो इसी का ये पानी में फल लगता है काफ़ी ज़्यादा। सामने मस्जिद है और भी बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर देखने में भी, आई होप कि आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा। ये है पानी फल जिसका ये फल ऊपर के नीचे में लगता है फल इसका। तोड़ के इस तरह फल होता है इसका। तो ये पानी फल यहाँ पर है इस तरह से, और ये जो है अक्सर बिहार में ये मिलता है, उसका प्राइस बहुत कम होता है, और लेकिन सीजन इसका होता है फलने का।